Oh no! वो बॉक्स मैंने कहाँ रख दिया? Come on, Veer, focus. हाँ याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ रख दिया मैंने बॉक्स? अदिति, 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 अदिति उठो अदिति, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अदिति, उठो, उठो अदिति अदिति क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो क्या बस इतना ही साथ था हमारा मैं थक चुकी हूँ लड़ते लड़ते अपने सब अपनों को खो खोकर अब मैं और नहीं लड़ सकती मैं हूं ना अदिति मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा तो ना ही कहीं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम्हारा साथ होता थी तो मैं दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकता हूं तुम्हारा हाथ थाम के मैं कोई भी सफर तय कर सकता हूं अदिति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अदिति बहुत प्यार प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अदिति हीरो को दुनिया सेवियर कहती पर मेरी सेवियर तुम हो आते थे दूसरी जिंदगी दी है तुमने मुझे जब अंधेरा मुझे निकलने वाला था तब तुमने मुझे रोशनी दी मेरे बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तुम्हारी अच्छाई ने मुझे मेरे अंदर की बुराई से बचाया क्या मुझे अपने लिए कुछ नहीं करने दोगी आते थे प्लीज आते थे एक मौका दे दो मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूं अदिति मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे लाख लाख शुक्र शिव जी प्यार में ऐसा मेरे कॉल पॉसिबल होता है कॉन्ग्रेचुलेशन शी इज आउट ऑफ डेंजर थैंक यू डॉक्टर पता है तुम्हें तुमने मुझे कितना डरा दिया था आई रियली लव यू अदिति आई रियली लव यू आज से ना हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे लड़ेंगे झगड़ेंगे एक दूसरे का सर फोड़ देंगे लेकिन लेकिन अलग कभी नहीं होंगे प्रॉमिस आई प्रॉमिस मैं प्रॉमिस करता हूं दीदी कि बिना डरे
तुमसे सब कुछ शेयर करूंगा, छोटी से छोटी बात हर एक चीज बताऊंगा तुम्हें। तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझसे सब कुछ शेयर करोगी, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने सारे इमोशन, सब कुछ। तुम्हारे मेरे बीच में देयर विल बी नो सीक्रेट्स। आराम से, अभी बहुत प्रॉमिसेस करने, हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे, फिर चाहे वो घर का काम हो या बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपनी लाइफ में ना हम लोग फन क्वेश्चन कभी कम नहीं होने देंगे। और हाँ, अगर गलती से फन क्वेश्चन कम हो भी रहा होगा तो कोई एक उसे बैलेंस कर देगा। अगर अगर कोई अपना 100% नहीं दे पा रहा है तो दूसरा अपना 200% देगा और चीजों को पूरा बैलेंस कर देगा। और हम लोग कभी एक दूसरे पे गिव अप नहीं करेंगे अदिति। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बस हंसते हंसते उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। हाँ अदिति, सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें ना मेरे हर चीजी जोक पर हंसना होगा। फेक फेक स्माइल भी चलेगी। ओके, फेल। तो ये इटर्नल प्रॉमिसेस तो हो गए, अब बात आती है प्रैक्टिकल प्रॉमिसेस की। तुम मुझसे वादा करो कि मुझे और हमारे बच्चों को बेड पर लेट कर खाना खाने दोगी। ठीक है, कभी कभी। और तुम कोई भी नया शो या नई मूवी मेरे बिना नहीं देखोगी। अरे, इसमें मुझे तो कोई चॉइस मिल ही नहीं रही है। ठीक है, चलो, तुम्हारे लिए मैं कोई टीवी शो या कोई भी मूवी अकेले नहीं देखूंगी। पर ये तो सिर्फ 6 प्रॉमिसेस हुए, लेकिन शादी में तो 7 वचन होते हैं ना, तो फिर 7th प्रॉमिस। मैं तो तुमने सही कही, लोगों सोचने दो। हाँ, मैं ना एसी का टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री पे रखूंगा। अरे, मैं इतना कम टेम्परेचर में नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। ओके ओके, ठीक है 26 पे रख दूंगा। ठीक है, डम नॉर्मल लोगों की तरह। 26 इज नॉट डम बुके, नॉर्मल लोगों को तो ठंड लगती है ना, तुम तो हीरो हो, पावर्स वाले लोग तुम क्या समझोगे। ठीक है, तो पता है तुम कांपते हो ना, बहुत क्यूट लगती हो। अरे भाभी, अगर इसने आपको परेशान किया ना तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आके मंटू भाई को बोलने का, मंटू भाई को समझा देगा, समझे ना। ओ बंटू एंड बंटू की बच्ची है। अरे, वो तेरी बात सुनेगा कि इसकी। तो एक काम कर, जब भी वीर तेरी कोई बात ना माने ना, तू जाके अदिति से बोल दिया कर, वो समझा देगी उसको, तेरे दिन तो गए। हैला, मतलब दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त भाभी का हो गया। हाँ, जब तेरे को मिल जाएगी ना तेरी वाली, तब देखेंगे तू कितनी दोस्ती निभाता है। अब तो मेरे लिए भाभी ढूंढेगी अपनी परछाई टाइप। देख लेना अपने थाने में कोई को तो। प्रॉमिस। हाँ, आई लाइक बैड गर्ल। आई जस्ट लव दिस। और तू शॉपिंग के टाइम कितना क्रिप कर रही थी कि तुझे घड़ी आना सिली। यार देखो, तो पता ही है एक्सेसरीज और कपड़ों की शॉपिंग में ना बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ, और उसके बाद जब इतने सुंदर लगे तो फ्लॉन्ट करने में अलग ही मजा आता है। नहीं यार, आज घर के तो सुंदर लग रहे हैं ना बहुत ज्यादा, बट उससे ज्यादा सुंदर कोई और लग रहा है। किसी की नजर ना लगे, तुम दोनों कितने प्यारे लगते हो, किसी की नजर ना लगे। क्या बात है भाभी, क्या लग रहे हो आप यार आज। हाँ, मतलब आपके सामने ना वीर तो पानी कम चाय है। अरे, उसको तो आपके सामने आना ही नहीं चाहिए, गायब ही गायब मोड ऑन। क्या कहा बेटे? गायब मोड ऑफ। बेटे, 2 दिन पहले मिली भाभी के लिए इतनी पुरानी दोस्ती भूल गया? भाभी के चमचे। बंटू भाई, ये चमचा गिरी ना अपने तक ही रखो। और भैया, आपने हमारी बात सुनो, हम आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज दे। ये देख, ये होती हैं बहने, मेरी प्यारी प्यारी बहने। चलो बताओ,
कि भैया और भाभी में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। Our all time favorite, भाभी। पार्टी बदल ली, धोखा हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं करनी शादी। अरे अरे भैया, वॉशरूम जा रहा हूँ मैं। फिर क्या? ये अंगूठी दीदी ने वीर के जन्म होने पर ली थी। वो चाहती थी कि ये अंगूठी वीर की दुल्हन पहने। आज अगर दीदी जिंदा होती तो अपनी आंखों से अपना सपना पूरा होते हुए देखती, क्योंकि आज शादी से पहले वीर अदिति को ये अंगूठी पहनाएगा। आशीर्वाद दीजिए कि दीदी की दी हुई ये अंगूठी वीर और अदिति के अटूट संबंध, अटूट रिश्ते की पहचान बन जाए। मिठी मिठी डरा दिया, क्या हुआ भाभी? ओ, मैंने ना फिल्मों में देखा मीठी, शादी से पहले ना ये वाला हाल तो सबका होता है। वेडिंग जिटर्स? हाँ, कोई वेडिंग जिटर्स नहीं, मैं नर्वस थोड़ी हूँ। नर्वस नहीं है तो फिर किन ख्यालों में खोए हो आप? सच बताऊं तो बताऊं? बताओ। हाँ। वो एक्चुअली मुझे भूख लगी है। क्या करूं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। इतनी सी बात, हमारे होते भाभी भूखी रह कैसे सकती है? ऐसा तुम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अरे मीठे काम करें, ब्राइड टू बी के लिए कुछ मीठा ले आए। चॉकलेट पुडिंग? अभी लाते हैं। देखा? हाँ। This is going to be epic. देखते ही मेरे मुंह से पानी आ गया है, मैं क्या करूं? अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, सेरेमनी शुरू होने वाली, जल्दी करो। अरे मामा जी, अगर हमारी भाभी हंग्री प्लस एंग्री हो गई ना, और उनका मूड थोड़ा सा भी खराब हो गया तो बस शादी दोबारा कैंसिल ना हो जाए। यार तू ना ऐसी बातें अपने मुंह से निकाली मत। हैशटैग पॉजिटिव वाइब्स ओनली। पॉजिटिव वाइब्स, यस। यार इसमें ना चीनी डालनी होगी। अच्छा रुक, मैं लेके आता हूं। अब डालते हैं बढ़िया चीनी। कितनी डालनी है? थोड़ी सी, 2 teaspoon only। अरे मामा जी, आप नीचे क्यों गिरे हुए हो? अपने हाउसकीपिंग ज्वाइन कर लिया? अरे ढूंढ रहा हूँ। अब ये नहीं पूछेगा कि क्या ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं? रिंग घूम गई मुझसे। कौन सी रिंग? अरे एंगेजमेंट रिंग, दीदी की दी हुई रिंग, जिससे एंगेजमेंट होनी है। आपने एंगेजमेंट रिंग घुमा दी? अरे ऐसे कोई चीज घुमाता है क्या? रख दी होगी मैंने कहीं, अब मैं भूल गया हूँ कि कौन से सेफ जगह में रखी है। सेफ जगह रखी है? ओके ओके, मतलब सेफ में होगी। चलिए, अरे देख ली सेफ के अंदर, कमरा भी देख लिया, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं। क्या करे, एंगेजमेंट शुरू होने वाला है। एक आइडिया है, हम लोग नई रिंग लेकर आ रहे हैं। दीदी की निशान। I know, मामा जी, देखो अभी जो वो वाली रिंग है ना, वो यहीं कहीं होगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। लेकिन सेलिब्रेशन तो आज है ना, तो हम नई रिंग लेकर आते हैं, एक्सचेंज ऑफर में बदल देंगे फिर। अरे मामा जी, वो एंगेजमेंट की रिंग का है तेरे पास? अरे मेरी नहीं, अदिति की। अदिति की रिंग? क्या बताना कहाँ है? रिंग है ना, इसको पॉलिश के लिए दिया है हमने। अरे तू जाके तैयार क्यों नहीं हो रहा है? मैं पूरा तैयार हूँ रे। हाँ अरे तू पूरा तैयार है? देखो मान लिया, मेरे सर पे कितना काम रखा है यहाँ पर, वो आकाश लाइट वाला लाइट ठीक से नहीं लगा रहा है, वो उत्कर केटरिंग वाला फोन नहीं उठा रहा, मामा जी अब चल रिंग लेकर आने का, तू जा काम कर। अरे पर मैं ढूंढा हूँ, मैं काम देखू। अरे वो दादा, हाय तुम दोनों की पैम्परिंग से ना मैं पक्का मोटी हो जाऊंगी। अरे अगर मोटे हो भी गए तो क्या, भैया आपसे उतना ही प्यार करेंगे, और वैसे भी एक से कुछ भी नहीं होता है। राइट, तो ला फिर। ओके हाँ ठीक है। इतना बड़ा? इतना बड़ा भाई? बस से आई लव लव वीर। स्टॉप इट, से इट।
आई लव यू हैशटैग हंग्री ब्राइड। मामा जी क्या सेंटी आदमी हो यार आप, 2 किलोमीटर मेरे को चला कर वहां लेकर गए, शोरूम के अंदर भी लेकर गए आपको, लेकिन फिर भी रिंग नहीं लिया। यार मन नहीं माना ना, देख सेरेमनी ना दीदी की दी हुई अंगूठी सही होगी, लेकिन टाइम कहाँ है अपने पास, कहाँ से ढूंढेंगे कैसे ढूंढेंगे? अरे टाइम नहीं लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना, चलो ढूंढो। अरे क्या ढूंढने की बात कर रहे हो, तेरी अंगूठी ना मामा जी ने घुमा दी। क्या ऐसे लुक दे रहे हो मेरे को? देखो मामा जी टेक्निकली ना मैं इसकी पहली बीवी हूँ और मैं अपने स्वामी को झूठ बोल के कोई बैड एग्जांपल नहीं सेट करना चाहता। यू आर अ बैड ह्यूमन बीइंग। ओ सॉरी बेटा। अरे मामा जी आप खामा का टेंशन मत लीजिए, अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए और सोचिए, अपने दिन को रिवाइंड कीजिए और सोचिए कि आपने रिंग आखिरी बार कहाँ देखी थी। एक काम करो, दिखाओ स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहले मैंने अपनी अलमारी के सेफ से अंगूठी को निकाला। निकाला? उसके बाद मैं सीधे मंदिर की तरफ गया। चलो रिंग मिल गई। अरे रिंग वहां नहीं है, ढूंढ लिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि सेलिब्रेशन के लिए वो मिठाई तो लगेगी ना। हाँ लगेगी। तो मैं किचन चला गया। किचन में वो स्वीटी मीठी तो मिल गई। यस मैं किचन में गया। वो स्वीटी मीठी पुडिंग बनानी थी चॉकलेट वाली, और मुझे लगता है गलती से वो रिंग उस पुडिंग में गिर गई। और वो पुडिंग अदिति के लिए बना रही थी। क्या अदिति पुडिंग नहीं खाना? अदिति अरे रुक जा, ये सब किसने खाया? भाभी इतने फटाफट कौन खाता है? क्यों क्या हुआ अदिति? चलो चलो हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे पेट का एक्सरे कराने। वीर मैं कहीं नहीं जा रही, हुआ क्या है? तुमने हमारे एंगेजमेंट की रिंग निगल ली। What? ये क्या बकवास है? अरे ठीक कह रहा है ये, वो गलती से मुझसे ना वो रिंग पुडिंग में गिर गई थी और मैडम आप उसे निकल गई हैं। अरे बट मामा जी पूरी रिंग कोई कैसे गलत कर सकता है? अरे नहीं नहीं मैंने तो खुद देखा है, दो दो पानी पूरी एक साथ खाया है इसने, रिंग तो बहुत छोटी चीज है। अदिति चल आ जाओ। बच्ची उल्टी करनी पड़ेगी। परफेक्ट, चलो अदिति उल्टी करो। वीर तुम इतना पैनिक क्यों करते हो? अदिति बहुत सारे फॉल्ट्स हैं मुझ में, पर अभी के लिए या तो उल्टी करो या तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, कम ऑन। क्या हुआ अदिति? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हे भगवान दुल्हन अपनी ही शादी की अंगूठी निकल गई। मुझे बहुत तेज मामा जी, हमें अच्छे से पता था कि वो रिंग पुडिंग में गलती से गिर गई आपसे। वो मीठी जो हमारी भाभी को रिंग पहनाने वाले थे वो मामा जी ने पुडिंग में डाल दी। ओह आई हैव एन आईडिया, हमारे स्वीट टूथ मामा जी को ये पुडिंग हमेशा याद रहेगी। क्योंकि रिंग यहाँ है बिल्कुल सेफ। यार तुम लोगों ने बड़ा घुमाया। इन लोगों से ना बस ड्रामा करवा लो, अनलिमिटेड सप्लाई है। वैसे मामा जी मैं क्या सोच रहा हूँ कि भी फॉर्मेलिटी वगैरह की क्या जरूरत है, सारे इंपॉर्टेंट लोग तो हमारे साथ में ही हैं, तो क्यों ना रिंग सेरेमनी यही कर लेते हैं। मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। अदिति आ जाओ, चलो चलो अदिति आ जाओ। अरे चलो आ जाओ। पावर की निशानी है तो दूसरी प्यार की।
मामा जी। अरे मामा जी, आज तो खुशी का दिन है, आप इतने उदास हो। आप वैसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, आप मेरे साथ हंसोगे नहीं, रोगे नहीं, शेयर नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? या फैमिली, ऑल फॉर वन, वन फॉर ये देख मामी जी, सो ब्यूटीफुल। आज बिंदु और रॉकी की बहुत याद आ रही है यार। अगर वो लोग भी वीर की शादी में आते तो चार चार लग जाते ना। मामी जी को फिर से अटैक्स हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए उन्हें फिर से रिहैब भेजा है। पता है, आज इतने दिनों बाद बिंदु ने वीर के बारे में पूछा। लच्छी, एक बात मुझे हमेशा खटकती रही है, बिंदु ने कभी भी वीर को अपना नहीं समझा। उन दोनों का रिश्ता हमेशा कुछ फॉर्मल, कुछ गोल सा रह गया। वीर ने बहुत कोशिश करी, लेकिन बिंदु पे वेट करता रहा कि कब वो वीर के इमोशंस को समझेगी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैंने कभी फोर्स नहीं किया, क्योंकि ये बातें तो अंदर से आती है ना। वो वक्त ही कुछ ऐसा खराब सा चल रहा था हमारा, क्या नहीं फेस किया हम लोगों ने। पहले अपने बच्चे रॉकी को खोया, फिर जारा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं आज भी जिंदा कैसे हूं। मेरे अंदर का जज्बा अभी तक मरा कैसे नहीं, पता है क्यों? मेरे बच्चों की वजह से। वीर है, स्वीटी बेटी, तू है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मैं आज जी रहा हूं। मैं ना था, एक बात तो सब जानते हैं, मगर एक चीज है जो मैंने किसी से भी शेयर नहीं की है, इनफैक्ट वीर से भी नहीं। जो फैमिली वाली फीलिंग है ना, मैं बहुत क्रेव करता था। फिर मुझे वीर मिला, वीर के साथ दोस्ती हुई, मेरा भाई बना, और फिर उसके थ्रू मुझे आप सब मिले। आप, स्वीटी मीटी, माँ, पापा और अब अदिति। धीरे 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 मिसिंग वाली जो फीलिंग होती है ना, वो चली गई। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं। खून के तो सिर्फ नाते होते हैं, मगर असली रिश्ता दिल का होता है। थैंक यू मामा जी, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। की बात देखो, तू भी मेरे जितने मेरे ड्रामेटिक निकला। ट्रू। अच्छा सुन, सीरियसली मुझे कुछ पूछना था तुझसे, पूछूं क्या? आप ये पूछ क्यों रहे हो? ये बात पूछनी थी, आप पूछ लो। नहीं नहीं, आजकल के बच्चों से पूछने से पहले पूछना पड़ता है कि पूछूं कि नहीं पूछूं। मामा जी मेरी पूछ निकल आएगी, आप पूछ लो। पूछ लेता। वैसे तो तू मेरा बच्चा है, लेकिन अगर तू ऑफिशियली भी मेरा बच्चा बन जाए तो। नहीं, तेरा नाम वैसे अच्छा है, बंटू, अच्छा नाम है, और तू वीर नंदा का भाई भी है तो बंटू नंदा भी बढ़िया है, लेकिन लेकिन बंटू सिद्धवानी क्या कूल नाम लगेगा ना। नहीं, वैसे नाम में कुछ नहीं रखा है, शेक्सपियर ने बहुत पहले बोल दिया था, रोज इज अ रोज इज अ रोज। लेकिन साला आज दिल से मन कर रहा है उम्र भर के लिए तेरे लिए अपना नाम छोड़ जाऊं। सोच ले, कोई मजबूरी नहीं है,
क्योंकि एक कंडीशन है, तो अब मुझे मामा ने पापा बुलाएगा। ठीक है डन। और हाँ, मैंने ये भी सोचा है कि मैं फिल्मों में कमबैक करूंगा। रंजीत सिद्धवानी प्रेजेंट्स वीर के हीरो वाली जो ड्रामेटिक स्टोरी है ना, अमेजिंग स्टोरी, उसका एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। अमेजिंग। और फिल्म में तू ना अब साउंड रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, okay. एक्टिंग करेगा। वैसे भी बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि तू किसी किसी एंगल से असुर गुरु शुक्राचार्य लगता है। ओ माय शिव जी, जिन जिन लोगों ने नेपोटिज्म को गाली दी ना, उनको जरा इनसे मिलवा दो मामा। नहीं पापा, आपको दो थप्पड़ मारने मार देना, लेकिन ऐसी गाली तो मत दो। मैं शुक्राचार्य की तरह दिखता हूँ बेटा। सब ठीक है ना? कैसा लग रहा हूं मैं? बाल बाल तो ठीक है ना? बोलिए ना पापा, बाल ठीक लग रहे हैं ना? अगर नहीं है तो फिर आप सही कर दीजिए। खुश है ना आप दोनों? बस तो फिर मैं भी खुश हूं। आई विश आप दोनों यहां होते तो कितना अच्छा लगता। साथ में शादी की सारी तैयारियां करते, बारात में डांस करते, अदिति को और मुझे आशीर्वाद देते। माँ, काश आप भी यहां होते। अर्जुन, आज सच में तेरी बहुत याद आ रही है। अगर तू यहाँ होता ना, अपने शादी के सारे काम तुझसे करवाती मैं, सारे टैंट्रम्स थ्रो करती। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे हो सकती हूँ। आई मीन जस्ट लुक एट मी। क्या मुझे किसी से इतना ज्यादा प्यार हो सकता है? अगर तू यहाँ होता ना, तो मुझे पता है तू वीर के बहुत क्लोज होता। उसकी बात ही कुछ ऐसी है, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आई एम ग्लैड कि तेरे आखिरी वक्त में संभव वीर तेरे साथ था। लेकिन सच में अगर आज तो होता ना, तो तू बहुत खुश होता। आई मिस यू। काश आप भी यहां होते। अदिति कितना कंफर्टेबल फील करती, आप तो जानती हैं। अदिति बस लड़ती रहती है, मुश्किल में भी होती है, तब भी किसी से मदद नहीं मांगती, मुझसे भी नहीं। आप होती तो उसका ख्याल रख पाती, तो मैं साथ नहीं होता तो उसके साथ रहती। अदिति ना बिल्कुल आपके जैसी है माँ, केयरिंग, ग्रेसफुल, स्ट्रॉन्ग। कितनी झल्ली हूं मैं। वीर को तो लग रहा होगा कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि उसके सर पे बॉम्ब फट गया है, मुझे उसका रिएक्शन देखना जब उसे पता चलेगा कि मैंने उस पे प्रैंक किया है। तुझे याद है मैंने तेरे टिफिन में छिपकली डाल दी थी, वो भी असली। कितना डरा था। अदिति बहुत अच्छी है मां, एंड आई रियली लव हर। वीर बहुत अच्छा है अर्जुन, आई रियली लव हिम। And I miss you both so much. Mandu, Mandu,
इस डंडी को बोल के ना आकाश का पैकअप। दिया बाती कपूर, शादी के लिए 5 नारियल चाहिए, 4 ही है। अरे नहीं नहीं मामा जी, पंडित जी ने बोला था 4 नारियल चाहिए। पता था मुझे, चरिया हो गया है तू। 5 बोला था, 5। अरे मामा जी, इसके लिए मैं आपको बोलता रहता हूँ, कम करो और पिस्ता बादाम खाओ। अरे पंडित जी ने कहा था 4 नारियल, मैंने सुना है। मैंने ना एक शादी कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ शादी में 5 नारियल चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर एक कम पड़ गया ना तो 5वें के लिए मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना भड़क का अकेले हुए हूँ मेरे पे, मैं लेकर आता हूँ ना नया एक और, मतलब तो जाना। मामा जी, तेरी आवाज को क्या हो गया? आप मामा जी, मैं हाँ, वो उत्कर्ष केटरिंग वाले का फोन आ रहा है, आप प्लीज संभाल लेंगे? हाँ कर दो। हाँ थैंक यू। शादी अभी बाकी है। हाँ जी मामा जी, तैयार हो जाओ। हाँ जी मामा जी। प्रणाम। तो खुद से झूठ बोलना बंद बंद। मन जानते वो क्या चाहता है, वो हमसे कहता भी है। मिस बिंदा सुन दे के उसकी बात सुनिए ध्यान से। किसी और को चाहे कुछ भी लगे, जब तुम्हें कुछ सही लगे तो वो सही है। क्योंकि तुम्हारे मन का क्या है वो सिर्फ तुम्हारा मन ही जानता है। तुम्हारी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है हीरो, पर ये समय सिर्फ खुशियां बनाने का। वीर, वीर तुम यहाँ हो क्या? वीर मुझे पता तुम यहाँ हो, आई कैन फील यू। ये वेडिंग रूल है, तुम फेरों के पहले दुल्हन को नहीं देख सकते, दैट्स नॉट फेयर। हीरो ने आज तक कोई रूल माना है क्या? मेरी वाइफ को देखने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अब देखो मैं थोड़ा चेंज हो गया हूं, मैंने रूल तोड़ा नहीं है, मैं दुल्हन की रिफ्लेक्शन को देख रहा हूं। तो मैंने ना रूल्स को तोड़ा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ऐसी खूबसूरती के लिए इतना तो बनता ही है। तो आदिति, मैंने रूल मॉडिफाई किया है, तोड़ना नहीं है। I'm glad you came. तुम्हारे आने से अब मैं फुली रेडी हूं। अपनी आंखें खोलो। ये क्या कर रही हो अदिति? म्यूजिक। अब जाके मंडप में बैठो और दुल्हन का वेट करो, जाओ। अदिति जल्दी आना, आई एम वेटिंग, नहीं तो मैं आधे फेरे अकेले ले लूंगा। अरे पंटू यार, मेरे चोटे नहीं मिल रहे। अरे तो ध्यान रखना चाहिए था ना तुझे। मामा जी संभालो इसको। देख 5 नारियल चरिया। मामा जी संभालो इसको। देखो लोहा गरम है, जोर से हथौड़ा मारना और मेरा डील याद कर रखना, ठीक है? सब खपेच मत देना। जूते वही तो ढूंढ रहा हूँ मामा जी। अरे तो संभाल के रखना चाहिए था ना। हाँ 5,000, उसके आगे एक और 0, 50,000।
मामा जी आप एक पता था मुझे तेरे बैठिए। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कन्या को बुलाइए। बेटा मुंह बंद कर वरना मच्छर गुज जाएगा। ओम पवित्रः पवित्रो वास्तवावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाहायाभ्यं शुचिः स्वस्ति स्त्रिया विनाशाख्या धर्म कल्याण प्रतिदा विनायकं प्रिया नित्यं स्वस्तिं ब्रुवन् पुनः। हाथ में पुष्प रखें, भगवान जी को प्रणाम कीजिए। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाएंगे। आप दोनों वासन ग्रहण कीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातस्तो सूरजो अजायतो स्रोता द्वायस प्राणस मुखादग निर्जायतो। वर कन्या का गठबंधन कीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कन्या आए और फेरे शुरू करें। संपन्न हुए। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। सिंदूर हम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहीयताम। अब आप कन्या को मंगल सूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको क्या लगता है हीरो जा रहा है? अपने अगल बगल देखिए, क्या पता हीरो आसपास ही हो। गायब मूड में है।